हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मैजिशियन गेमर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा सेंसिटिविटी, मेरा लेआउट बहुत ही आसान है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं किया कि मुझे भी नहीं दिखता तब। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा लेआउट, मेरा सेंसिटिविटी, मैं एक जायरोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जायरोस्कोप कैसे जायरोस्कोप यूज़ करते हैं, कैसे जायरोस्कोप से रिकॉइल करते हैं, कैसे स्नाइपिंग करते हैं, सब मैं बोलूँगा इस वीडियो में। स्नाइपिंग का शायद मैं एक और अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बाकी सब रिकॉयल कंट्रोल 6x लेके M4 में कैसे रिकॉयल करते हैं सब दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो गाइस, आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा, अगर आप लोग लॉ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे। जैसे कि आप मूव एंड शूट कर सकते हो, मूव एंड शूट के साथ जंप भी कर सकते हो बहुत। एंड फोर फिंगर क्लॉ का एक बहुत ही अच्छा बात यह है कि आप राइट साइड पे स्कोप या फिर लेफ्ट साइड में स्कोप कोई भी कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर मैंने देखो दो जो पिक एंड फायर का ऑप्शन है तो स्कोप के बगल में रख दिया है। आप लोगों को अगर दूसरी जगह पर असर नहीं होते हैं तो वहाँ पर रख सकते हो। ये मेरा कंट्रोल है, अगर आप लोग ये कंट्रोल ही कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं तो जायरोस्कोप यूजर हूँ, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल 1M का रिकॉइल, ठीक है। 1M का रिकॉइल बहुत टफ है, तो मेरा तो धीरे धीरे हो गया अभी। तो ये है 1M का रिकॉइल। जब मैं फोर फिंगर क्लॉक का इस्तेमाल कर रहा था पहली बार, तब मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं थंब से खेलता था पहले, तो लेफ्ट साइड पे बटन था, तो मैंने लेफ़्ट एंड राइट दोनों बटन को ऊपर कर दिया, ठीक है। ऊपर करने के बाद तो एक एनिमी आया था मेरे सामने, तो मैं एनिमी को मारने के लिए लेफ्ट में थंब दबा रहा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। आपको भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं 2 दिन में सीख गया था। ये बहुत ही बड़ा बात है। आप लोगों को अगर एवरेज टाइम मैं बोलूँ तो 1 वीक का लगेगा। पहला 2 दिन में मेरा कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोग क्लॉ खेलते हैं तो बहुत ही आसानी होगा आप लोगों को, क्योंकि आप मोबाइल शूट कर सकते हो, ये तो मैंने बोला ही पहले। तो मैं जब खेला था पहली बार तो मुझे मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब मुझे पता था कोई भी नहीं आ सकता मेरे सामने, क्लोज कॉम्बैट में मैं मार ही दूंगा। जब पहला स्टार्ट किया था तो फोर फिंगर किया, क्योंकि बाकी सब तो थंब से खेलते थे, तो लोग सामने आके रुके रहते मारते थे, तो मैं तो हिलते हिलते मारता था, तो बहुत ही ईजी हो गया था। तो मैं अब आप लोगों को बोल दे रहा हूँ जायरोस्कोप का फ़ायदा, ठीक है। अगर जायरोस्कोप आपका इनेबल नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा गलती है आप लोगों का। जायरोस्कोप के बिना भी खेल सकते हो, तो वो बात नहीं है, जायरोस्कोप के बिना भी खेल सकते हो आप, लेकिन जायरोस्कोप के एक फ़ायदा है ना, क्योंकि आपका रिकॉइल कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन, मैं तो ऑलवेज ऑन करता, आप लोग स्कोप ऑन कर सकते हो, ठीक है। जायरोस्कोप को ऑन करके अगर रिकॉइल कंट्रोल करना है तो डिस्प्ले को सिर्फ नीचे लेना पड़ेगा, सामने की तरफ झुकाना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मेरा सेंसिटिविटी मैं बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को, हाँ। और नॉर्मली अगर आप रिकॉइल कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप लोगों को थंब से डाउन करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। थंब से डाउन करते करते साइड में भी करना पड़ता है, एनिमी को मारना पड़ता है। इससे मेरा बहुत ही आसानी होता है, क्योंकि मैं एक तरफ स्क्रीन डाउन कर रहा हूँ और एक तरफ एनिमी को मतलब उसके टारगेट पर ले रहा हूँ ट्रिगर को। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फोर फिंगर क्लॉ, वो तो ट्रेनिंग है, वार है। मैं बोल दे रहा हूँ एरकेड मोड बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एरकेड में सोलो खेलो, सोलो एरकेड वार खेलो, 5 नाइटेड बैटल नहीं चाहिए,
AR, SMG वो खेलो। देखो क्लोज कॉम्बट में तुम कैसे खेलते हो, वो खेलते खेलते ही तुम्हारा क्लॉज सेट होगा। मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 दिन वार ये सब खेलना पड़ेगा, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही, उसके बाद देखना आपका गेम प्ले बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आप लोग खुद ही देख सकते हो आप लोगों का गेम प्ले, क्योंकि बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। पहले अगर आप लोगों का किल था 1 2 3 4 5, अब होगा 10 11 12, ठीक है। तो ये बहुत ही है, इसके बाद अगर आप लोग इससे भी अच्छा खेलना चाहते हो तब तो उसमें आपका IQ चाहिए, IQ स्ट्रेटजी ऐसे स्क्वाड भी अच्छा होना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। एंड जायरोस्कोप से स्नाइपिंग जो होता है, मैं बोलूँगा स्नाइपिंग के लिए जायरोस्कोप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत अच्छा है जायरोस्कोप, क्योंकि स्कोप करने पर वही पर ही जाता है, हेड पर ही जाता है ज़्यादा का। लेकिन अगर आप लोग खड़े होकर खेलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि आप हिल नहीं सकते, जायरोस्कोप हिल जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। बैठ के खेलो या फिर कुछ अच्छी प्लेस पे खेलो, एंड हेडफोन ज़रूर लगाना, हेडफोन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप लोग नहीं खेल सकते। को कुछ लोग बोलेंगे कि हेडफोन के बिना मैं खेलता हूँ, हाँ खेलते हैं, लेकिन सामने जब एनिमी रश करेगा ना एक प्रो प्लेयर, तब होगा आपका। मैं स्नाइपिंग के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। आप लोग बहुत लोग बोल रहे हैं वेपन मास्टर के लिए, वो भी बनाऊंगा मैं, थोड़े दिन वेट करो। तो क्योंकि अभी बॉट्स बहुत पावरफुल हो गए, तो थोड़ा दिन वेट करो, इसके लिए नया कोई चीज लाना पड़ेगा। एंड ये देखिए मेरा क्लॉ सेटअप, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। एंड ये देखिए मेरा बेसिक सेटिंग है, शॉटगन फायरिंग मोड, टैप क्विक स्कोप स्विच, इनेबल, ये ज़रूर करना है इनेबल। अगर आपका इनेबल नहीं होता तब रीसेट करके जो लेआउट है उसको रीसेट करके फिर से उसको सजाना है आप लोगों को। ये देखिए डिस्प्ले लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑन, जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन, सब अगर पसंद आया तो। ये देखिए कलरफुल, मीडियम, स्मूथ, मेरा मीडियम ही होता है, अगर आप लोगों का एक्सट्रीम होता तो एक्सट्रीम कर दीजिए, स्मूथ एक्सट्रीम बहुत अच्छा होगा। मेरा 60 FPS फ़ोन नहीं है, मैं खेलता हूँ MI Redmi Note 5 Pro थे, इसलिए मेरा 30 FPS फ़ोन है। ये देखिए अगर M4 में आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप लोग 6X को 3X में कॉन्वर्ट करके फिर करिए। मैं तो 6X को 6X में भी करता हूँ, 6X में भी करता हूँ, दोनों ही करता हूँ, क्योंकि मैं तो जायरोस्कोप यूज़र हूँ, थंब से भी थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है कि सेंसिटिविटी में कैमरा तो पता है, उसके बाद ADS वो क्या है, कैमरा क्या है, ठीक है, वो बता देता हूँ। कैमरा है जब आप लोग स्कोप करते हैं, स्कोप के बाद जो हिलाते हैं डिस्प्ले को, मतलब और पॉइंटर को जो भी है, वो स्कोप को हिलाते हैं इस तरफ उस तरफ, फायर मत करके, फायर मत करना, ऐसे ही हिलाते हैं, उसको बोलते हैं कैमरा, ठीक है, वो सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी है। उसके बाद जो ADS होता है, ADS मतलब जब आप लोग स्कोप करके फायर करते हो, फायर करने वक्त जब आप पॉइंटर को हिलाते हो, वो कितने स्पीड में हिलेगा, वो है ADS सेंसिटिविटी। तो ये आप लोग अगर आप लोग टैब में खेलते हो तो टैब का अलग सेंसिटिविटी होगा, इससे ज़्यादा होगा मोबाइल से, तो आप लोग उसके लिए मोटल का सेंसिटिविटी यूज़ कर सकते हो, उसका भी अच्छा है सेंसिटिविटी। 4 फिंगर क्लॉ सीखने के बाद आप लोगों का IQ पे डिपेंड करेगा क्या आप लोग कैसे खेलते हो, तो IQ मैटर करता है। आप लोग मेरे तरह खेल सकते हो या फिर मेरे से भी अच्छे खेल सकते हो, मोटल की तरह भी खेल सकते हो, वो डिपेंड करेगा सब आपकी IQ। मैं एक वीडियो भी लाऊंगा बाद में जिसपे मैं सीखूंगा रोटेशन, फ्लाइंग, सब कुछ। तो देखिए ये मेरा सेंसिटिविटी है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, ये मेरा जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, ADS सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी,
तो आप लोग अगर पसंद आए तो कॉपी कर दीजिए। और हाँ, हमेशा ट्राई करना कि हाई सेंसिटिविटी में आप लोग खेलो, कि हाई सेंसिटिविटी में आप लोग क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, आसानी होगा, मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो मैं एक गेम प्ले दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने जॉर्ज पुल पे जाके, ज़्यादा गनटेन नहीं थी, वो लोग फ्लेयर भी बुलाया था, उन लोगों को मारा था। तो देखिए, वो ये फ़ायदा है फोर फिंगर क्लॉ का, तो इस वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। एंड फोर फिंगर क्लॉ सीखने के बाद कभी डरना मत रश करने में, ठीक है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I... Sun rays and on, we'll go.